All right, class 10. Today we will move next lecture of Lifeline of National Economy, Chapter 7. This is your lecture 5, and this we will talk about airways. Airways, you know that, is the advanced mode of transport. It is the present century transport we see. So the air travel today is the fastest, most comfortable and prestigious mode of transport. एयर ट्रैवल जो आज का आप देखते हैं वो फास्टेस्ट ट्रांसपोर्ट के अंदर आता है, कंफर्टेबल है और प्रेस्टीजियस है, काफ़ी महंगा है, हाई क्वालिटी का है. इट कैन कवर वेरी डिफिकल्ट टेरेंस लाइक हाई माउंटेन्स, ड्रेयरी डेजर्ट, डेंस फॉरेस्ट एंड ऑल्सो लॉन्ग ओशनिक स्ट्रेचेज विद ग्रेट ईज. तो ये जो एयरवेज की खासियत है, जो इसका फ़ायदा है, वो ये है कि ये आपको वहाँ पर ट्रैवल करवाता है जहाँ रेल या रोड ट्रांसपोर्ट पॉसिबल नहीं है. तो वो चाहे पहाड़ हो, चाहे डेजर्ट हो, चाहे फॉरेस्ट हो, या कोई सीज या ओशियंस हो, तो विद ग्रेट ईज, बहुत ही आसानी के साथ, विद द हेल्प ऑफ एयर ट्रैवल, यू कैन क्रॉस ऑल दीज बाउंड्रीज, ऑल दीज barriers easily. Think of the non-eastern part of the country marked with the presence of big rivers, dissected relief, dense forest and frequent flood and international frontier etc. in the absence of transport. और यहाँ पर real में airways की importance समझ में आती है, जिसमें कहा गया है कि अगर आप एक बार air travel सोच कर देखिए, बिना एयर ट्रैवल के नॉर्थ ईस्ट में जाना, नॉर्थ ईस्ट जो आपका इलाका है, आसाम, मेघालय, वहाँ पर एयर ट्रैवल के बिना आप ट्रांसपोर्टेशन की या ट्रैवलिंग की सोच भी नहीं सकते हैं. या फिर वो चाहे बड़ी बड़ी नदियों को क्रॉस करना हो, चाहे वो पहाड़ हो, चाहे वो दूसरे रिलीफ फीचर्स हो, चाहे वो जंगल हो, चाहे वो फ्लड्स का एरिया हो, चाहे वो हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर्स हो, फ्रंटियर हो, दूसरे देशों में आना जाना हो, एयर ट्रैवल या एयर ट्रांसपोर्ट के बिना दिस इज़ नॉट पॉसिबल. तो इसी एयरवेज का जो क्वेश्चन पुटअप होता है, इसी पर पुटअप होता है 5 मार्क्स में, कि व्हाई एयर ट्रैवल प्रेफर इन नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री. भारत के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट पे एयर ट्रैवल को क्यों पसंद किया जाता है, क्यों प्रेफर किया जाता है? तो उसका रीज़न आपका यही होगा कि जो नॉर्थ ईस्ट का हमारा स्टेट्स हैं, वो स्टेट्स फ्लैट नहीं है, मैदानी इलाकों में नहीं है. वहाँ पर आपको पहाड़ दिखाई देंगे, नदियाँ दिखाई देंगी, गहरे घने जंगल दिखाई देंगे, जहाँ पर ट्रैवल करना रेल के थ्रू या रोड के थ्रू पॉसिबल नहीं है. तो दैट इज़ वाई नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के जो भी लोग हैं, वो ज़्यादातर अपनी ट्रैवलिंग जो करते हैं वो एयर ट्रैवल के थ्रू ही करते हैं. और नॉर्थ ईस्ट के जितने भी स्टेट हैं, उनका भारत से जो जुड़ाव है, वो एयर ट्रैवल के थ्रू ही पॉसिबल हुआ है, वो चाहे फिर हेलीकॉप्टर हो या फिर एरोप्लेन. तो एयर ट्रैवल हैज़ मेड एक्सेस ईजियर. तो इस एयर ट्रैवल की वजह से हमारा जो एक्सेस है भारत के कोने कोने तक, वो पॉसिबल है बिकॉज ऑफ एयर ट्रैवल. हम आ जा सकते हैं. ड्यूरिंग द इलेक्शन यू ऑल्सो सी द पीपल और द इलेक्शन और द लीडर्स, पार्टी लीडर्स, दे यूज हेलीकॉप्टर और देयर पर्सनल जेट टू ट्रैवल बिकॉज दिस इज द बेस्ट, दिस इज द फास्टेस्ट एंड दिस इज द ईजिएस्ट वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. सिर्फ कमी इसमें यही है, एक इसकी ये प्रॉब्लम यही है एयर ट्रैवल के साथ, दिस इज़ द डेयरी, महंगा है. जहाँ रेल रोड इसके मुकाबले काफ़ी सस्ते पड़ते हैं, एयर ट्रैवल महंगा पड़ता है कंपेयर टू, अगर पूरे दुनिया के देशों की बात करें, भारत में अभी भी एयर ट्रैवल महंगा है. तो भारत में अभी भी काफ़ी गुंजाइश है एयर ट्रैवल की, इसका फ्यूचर काफ़ी सिक्योर है, काफ़ी बेस्ट, सेफ है अगर इस मामले में बात करें ट्रांसपोर्ट के मामले में, क्योंकि अभी भी भारत की सिर्फ 5% पॉपुलेशन ही एरोप्लेन में बैठी है, एयरपोर्ट अभी भी कम है. तो एयरपोर्ट ज़्यादा होंगे, ज़्यादा नौकरियां होंगी, ज़्यादा लोग एयर ट्रैवल कर सकेंगे, तो एयर ट्रैवल की यहां पर इम्पोर्टेंस खड़ी होती है. एयरवेज की बात करें भारत में, इसकी शुरुआत में द एयर ट्रांसपोर्ट वॉज नेशनलाइज इन 1953. तो एयर ट्रांसपोर्ट जो भारत में आया था, वो आया था प्राइवेट, पहले टाटा जो था इंडिया में वो एयर ट्रैवल लेकर आया था. उसके बाद यहाँ पर 1953 में भारत ने जितने भी बड़ी इंडस्ट्रीज थी उनको सरकारी कर दिया था. तो
ट्रांसपोर्ट हो चाहे बैंकिंग सिस्टम हो, इनको सरकारी बना दिया गया था। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये टाटा बैंक था, इसको सरकारी बना दिया गया, इसका नाम रख दिया गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और जो आज एयर इंडिया आप देखते हो, एयर इंडिया जो थी वो थी टाटा एयरलाइंस। तो टाटा एयरलाइंस का भी नाम बदल कर एयर इंडिया कर दिया गया था, जिसका मतलब क्या था कि वो एयरलाइंस अब सरकार के अंडर रहेगी। तो सरकारी हो गया था हमारे इंडिया में एयर ट्रांसपोर्ट, अभी भी प्राइवेट है, एयर इंडिया भी है, दोनों साथ चलते हैं, लेकिन उस टाइम पे ये सरकारी कर दिया गया था। ऑन द ऑपरेशनल साइड, इंडियन एयरलाइंस अलायंस एयर प्राइवेट शेड्यूल्ड एयरलाइन एंड नॉन शेड्यूल्ड ऑपरेटर प्रोवाइड डोमेस्टिक एयर सर्विस। तो भारत में आज के समय में डिफरेंट जो सर्विस प्रोवाइडर है उसमें एयर इंडिया है, इंडियन एयरलाइंस जो है उसको अब मिला दिया गया है एयर इंडिया के साथ, अलायंस एयर को भी मिला दिया गया है। तो अब सिर्फ सरकारी एयरलाइन एक ही बचती है, वो है एयर इंडिया। इसके अलावा प्राइवेट शेड्यूल्ड एयरलाइन है, जैसे आप देखते हो इंडिगो है या फिर गो एयर है, तो ये है प्राइवेट टैक्सी लाइसेंस के अंडर। तो ये प्राइवेट जेट्स हैं, प्राइवेट एरोप्लेन्स हैं जो लोगों को सर्विस प्रोवाइड करते हैं। एयर इंडिया प्रोवाइड इंटरनेशनल एयर सर्विसेज। तो एयर इंडिया जो है भारत की डोमेस्टिक यानी घरेलू और इसके अलावा इंटरनेशनल फ्लाइट्स की सर्विस प्रोवाइड करती है। पवनहंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड प्रोवाइड हेलीकॉप्टर सर्विसेज टू ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन ऑन इट्स ऑफशोर ऑपरेशंस टू इनएक्सेसिबल एरियाज एंड डिफिकल्ट टेरेन्स लाइक द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड द इंटीरियर पार्ट ऑफ जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तरांचल। इसके अलावा जहाँ पर एरोप्लेन का लिए रनवे या कोई एयरपोर्ट की सुविधा नहीं है, वहाँ पर ये सर्विस प्रोवाइड की जाती है हेलीकॉप्टर से। तो हेलीकॉप्टर जो है इंडिया में वो है पवनहंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड, जो भारत और भारतीय गवर्नमेंट और प्राइवेट हाथों में इनका एक जॉइंट वेंचर है। तो पवनहंस हेलीकॉप्टर ये सारे जो भी हमारे इनएक्सेसिबल एरियाज हैं उनके लिए सर्विस प्रोवाइड करता है। और इसके साथ साथ ये जो हमारे नेचुरल गैस कमीशन जो है, जो हमारा ऑयल और नेचुरल गैस को निकाला जाता है, वो आपको पता है ज़्यादातर एरियाज ऐसा है जहाँ पर रोड या रेल के थ्रू आना जाना पॉसिबल नहीं है। तो वहाँ पर ONGC जो है वो हेलीकॉप्टर्स की मदद लेता है और वहाँ पर अपने फंक्शंस जो है, जो भी उनके काम है, वो उनको करता है। इसके अलावा यू हैव सीन दैट नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री एंड द इंटीरियर पार्ट ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश उत्तरांचल, दे ऑल आर बाइसेक्टेड एंड दे ऑल हैव अ डिफरेंट रिलीफ फीचर। सो दैट्स वाई हेलीकॉप्टर प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन दीज स्टेट्स, बिकॉज यू कांट गो थ्रू रोड और रेल ट्रांसपोर्ट इजिली विद दैट। ओके, सो दिस इज द रोल ऑफ एयर वेज। इंडियन एयरलाइंस ऑपरेशंस ऑल्सो एक्सटेंड टू द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया एंड मिडल ईस्ट। इसके अलावा इंडियन एयरलाइंस जो मैंने बताया अभी एयर इंडिया में कन्वर्ट हो चुकी है, एयर इंडिया में इसको शामिल किया जा चुका है, ये हमारे पड़ोसी देशों तक ट्रैवलिंग का काम देखती है। इट कैन कवर वेरी डिफिकल्ट टेरेन लाइक हाई माउंटेन, ड्रेयरी डेजर्ट, डेंस फॉरेस्ट एंड अलॉन्ग ओशनिक स्ट्रेच विद ग्रेट ईज। तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो दिस वॉज द इम्पोर्टेंस ऑफ एयर ट्रैवल इन इंडिया। सो यू कैन ईजली फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन एयर ट्रैवल, रोड ट्रैवल और रेल। ओके, सो यू हैव सीन दैट ईच मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हैज इट्स ओन इम्पोर्टेंस। रोड जहाँ छोटे लेवल पे है सस्ता है, रेल जहाँ पे लंबी दूरी के लिए है सस्ता है, और एयर ट्रैवल जो फास्टेस्ट है, वाटरवे जो बल्की और हैवी मटेरियल के लिए, बिजनेस एक्टिविटीज़ के लिए बेस्ट है। सो दीज ऑल हैव देयर ओन इम्पोर्टेंस एंड यू कैन ईजिली फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन ऑल दीज मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। सो बी प्रिपेयर फॉर दैट एंड हैव देयर ओन इम्पोर्टेंस इन 5 point मिनिमम, बिकॉज 5 mark क्वेश्चन कैन बी पुट विद एनी ऑफ दीज मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। ओके, so this was the end of lecture. In next lecture we will talk about the communication and the trade. Okay.